हाय एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम बैक ऑन आर केमिस्ट्री कॉर्नर। आर केमिस्ट्री कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इस लेसन में हम लोग फिजिक्स का वन लाइनर पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे सिलेक्टेड है, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया हुआ लेसन को। और भी बहुत सारे ऐसा लेसन अपलोड होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अभी आपके लिए ये लेसन लेके आऊँ। फिर मैं इसके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री बहुत सारे लेसन्स अपलोड करूँगा मैं आपके लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर जहाँ भी कोई भी आपको स्थिति में चेंजेस आ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा क्या है, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है, ठीक है। इसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा, आकार में छोटा किंतु सीधा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता, तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य प्रकाश के परिकर्णन के कारण। परिकर्णन पता होगा आपको, जैसे कि प्रकाश फैलता है। तो आई होप गाइस कि ये कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है, लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग का घास काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हरा रंग लाल रंग को अवशोषित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा रंग लाल रंग को अवशोषित करता है। आगे देखते क्या है, समुद्र के पानी में लवणता के कारण है क्या है, सोडियम क्लोराइड मिला होता है समुद्र के पानी में, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र की पानी में सोडियम क्लोराइड मिला होता है। उसके बाद है, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, असंजक बल के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपक जाती है। इसका एग्जांपल दे सकता है, जैसे सेविंग ब्रश जो क्या होता है, जब आप पानी से निकालते हैं तो आपस में चिपक जाता है, वही। उसके बाद है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए पारे का गोली क्या होता है, सॉरी, स्टील की गोली पारे में तैरने लगती है। उसके बाद है, जल की सतह पर सुई तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं तो किसके कारण होता है ऐसा, अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। समझ में आया गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुदाब कमी के कारण, वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे ऊपर आकाश, जब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो जो बैलून क्या होता है, वो फट जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वायुदाब का कमी हो जाता है और इसी की वजह से बैलून फट जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा, दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके बाद है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि देखिए, दलदल में कोई भी व्यक्ति जब फंसता है तो उसको बोला जाता है लेट जाने को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा करने से क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रेशर कम लगेगा, इसीलिए उसको लेट जाने का सलाह दिया जाता है। उसके बाद है बर्फ में तैरती परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए ऐसा होता है। उसके बाद है, सेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। तो अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इसको बताया था कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। उसके बाद है, वर्षा की बूंदे एवं पारे के कण गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका भी यही आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। उसके बाद है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसकी वजह से, केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है केशिकत्व के कारण। इसका भी आंसर वही होगा, आकाश नीला लगता है क्योंकि देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में द्वारा परकीर्ण होता है, इसीलिए क्या होता है, आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला रंग है, उसका परकीर्णन ज़्यादा है, वो ज़्यादा फैलता है, धूल कण में मिल जाता है, इसीलिए उसका रंग, आकाश का रंग नीला हो जाता है।
नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण अभी हम लोग देखे थे। उसके बाद है तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के कारीगर हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं, रबर विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत का कुचालक और सुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसको बोलते हैं विद्युत का सुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके उसको बोलते हैं विद्युत का कुचालक। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए क्योंकि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम ऑक्सीजन की संपर्क में जलने लगता है, इसीलिए क्या होता है सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। उसके बाद है विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलनांक